पैंडेमिक सिचुएशन में भी आए, आप प्रोग्राम को अटेंड किया, कैसा लगा आपको? देखिए, जिस तरह से अपने देश में आज पूरे भारत में ही अभी नहीं और देशों में भी इस तरह का एक सिचुएशन तैयार हो गया है कि लोग लोगों को भूल जा रहे हैं। और सबसे बड़ा आज हनुमान जयंती है, सर्वप्रथम मैं सरस्वती भगवान हनुमान को प्रणाम करता हूँ और यह अनुरोध करता हूँ कि भारत की जनता सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे, शांति से लोग जीवन यापन करें। इस तरह का जो कोरोना काल समय है इसको दूर करें, यही मेरी लोगों की तरफ से प्रार्थना है। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स, इस कोरोना काल में क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, प्रोटेक्शन ये नहीं, पूरे भारत के नागरिक का जो इस जन्मभूमि से जन्म लिए हैं, सभी व्यक्तियों का अपना कर्तव्य बनता है कि इस तरह के सिचुएशन में कंधे से कंधा मिला के लोगों के साथ चलें और इस आपत्ति काल में सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के लोगों की मदद करें। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कोरोना जैसी महामारी लगातार फैल रही है, यानी कि चुनाव के प्रचार प्रसार के भी रुक लगा, सामने चुनाव भी है और उसके मद्देनजर यदि यहाँ की स्थिति विकराल होती है तो आप अपने PDHRO की तरफ से किस तरह से लोगों को सेवा मुहैया कराएंगे और किस तरह की व्यवस्था होगी आने वाले समय में? देखिए, जिस तरह से कोरोना काल के जन्म से ही कहा जा सकता है, इस तरह की आपत्ति पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आदर्श देशों में भी हुई है, लेकिन हम लोग जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जनता का मदद कर रहे हैं और आगे से भी हम लोग तैयार हैं और समय तैयार हैं कि इस तरह की आपत्ति काल में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पूरे प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के सदस्य मिलकर जितना हर संभव हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे, चाहे वो सैनिटाइजर हो या मास्क वितरण हो या लोगों को मेडिसिन मुहैया कराना या ऑक्सीजन का, अगर जहाँ तक हम लोग का संभव प्रयास है हॉस्पिटलों में भर्ती कराना, जो भी मदद हम लोगों से होगा हम लोग तैयार हैं। PDHRO के आप प्रमुख तो है ही है, उसके साथ कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, क्या सलाह देंगे कि जो लोग हैं कैसे अपने आप को बचाए, कैसे सुरक्षित रहे और क्या क्या इत्तेहाद बरतना चाहिए एज ए डॉक्टर के साथ? देखिए, जिस तरह से आज कोरोना पूरे भारत में हर घर में फैल चुका है, इससे बचने के लिए लोगों को सरकार के द्वारा की गई गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, स्वयं को सतर्क रख करके किसी भी हाल में इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें, लोग सफाई रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, किसी भी इस तरह की बीमारी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो लोग मास्क लगाते हैं, मास्क तो लगाए हैं लेकिन पता चला कि वो ना गाड़ी पे लगाए, क्या उनके लिए क्या सजेशन देंगे, क्या ये मास्क इस तरह का पहनना सही है या नुकसानदायक है? देखिए, गाड़ी पे मास्क लगाने से कोई फायदा नहीं, अगर मास्क लोग लगाते हैं तो इससे इनकी अपनी सुरक्षा है। जिस तरह से लोग दो चक्के की गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर हेलमेट लगाते हैं, अगर वह हेलमेट माथा पर न लगाते मुँह पर लगाए तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर लोग मास्क का प्रयोग करते हैं तो मास्क को सही जगह लगाएं, जिससे अपनी सुरक्षा उनकी है, लोगों की नहीं है। वो अगर अपनी मास्क लगा करके नाक को ढक रहे हैं तो उसे जो वायरस फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। ऑक्सीजन का जो दिन ब दिन जो डिमांड है जो बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? सरकार को ऑक्सीजन के लिए प्रयासरत है ही, लेकिन आम जनता को भी चाहिए कि ऑक्सीजन की जिस तरह सिचुएशन में अभी महामारी चल रहा है तो खुद को सचेत होना होगा, ये नहीं कि ऑक्सीजन के भरोसे ही हम लोग खड़े रहें। अभी तक देखिए कि 45 साल के जो लोग उम्र के थे उन्हें कहीं ना कहीं वैक्सीन दिया जा रहा था, 1 मई से अब सारे युवाओं को 18 वर्ष के ऊपर भी आएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों इस तरह के सब चाहेंगे कि मुझे पहले लगे इस तरह का, तो क्या सजेशन है और किस तरह से आप लोग यदि ह्यूमन राइट्स की बात किया जाए तो कैसे किस तरह का लोगों को सजेशन करेंगे और कैसे लोगों की मदद करेंगे? जैसा वैक्सीन की बात है तो अभी तक कोरोना इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट सरकार के पास बना नहीं है। अगर सरकार करती है कि वैक्सीन से लोगों का बचाव किया जा सकता है तो वैक्सीन से पहले सरकार के गाइडलाइनों को लोग प्रयोग करें, उसको सही रूप से प्रयोग करें, सही रूप से उसका देखभाल करके रखें, हाथ को स्वच्छता अपना घर में रखें, बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करें। जो भी इस तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है तो सरकार प्रयासरत है, कोशिश तो लोगों को कर ही रही है और आगे भी सरकार करेगी, हम लोग उसके साथ।
एक आखिरी सवाल पूछेंगे, आज कमेटी का आपको हमारा यहाँ दमदम में इस तरह का विस्तार हो रहा है, क्या कहेंगे और किस तरह के यहाँ की रणनीति और इस बेल्ट में कैसे काम करेंगे आप? देखिए, दमदम ब्लॉक कमेटी का यहाँ का दायित्व इन बंधु दास को दिया गया है और इनके साथ ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के तमाम सदस्य इनके साथ हैं। दमदम इलाके में किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो इनके माध्यम से हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ के लोगों को ऊपर किसी भी प्रकार का, चाहे कोरोना काल ही नहीं, राशन वितरण से लेकर तमाम मेडिसिन वितरण तक और सोशल कामों को हम लोग इनके माध्यम से यहाँ करेंगे और किसी भी प्रकार की यहाँ पर कमी हम लोग महसूस होगा मंत्री के द्वारा ही इनके साथ पूरी संस्था की टीम है, सब इनको लेकर के यहाँ पर विकास यहाँ की लोगों की सेवा की जाएगी। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज की जो कार्यक्रम छोड़ हमारे हनुमान जन्म जयंती अनेक बड़ो चेष्टा कर सकाल बेला लोकल काउंसिल सम्पूर्ण बोलो जो मारा जाए সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্টকে জানাইছে স্যার এই ব্যাপারে কী করবো, যদি আমার বললো তাহলে স্টপ করো প্রোগ্রামটা, কিন্তু আপনাদের নিমন্ত্রণ করার সময় তো মাত্র প্রোগ্রাম করতেই হবে, আবার ভজন প্রোগ্রাম ছিল সেটা আমি পুরোপুরি স্টপ করে দিয়েছি। এই জন্য ভজনের থেকে আগে আমাদের মানুষের জীবন, আর যদি কোনো কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায় সেটা জবকে দেবে, আমি টোটালি প্রোগ্রামটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। যেহেতু আমি প্রোডাকশন করে ডেমোক্রেটিক ইন্টারনেসের সদস্যের জন্য আমার তো অনেক দায়িত্ব আছে মাথায়, সেজন্য পুরোপুরি দুর্গমটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি। আচ্ছা, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে